झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। वितान पुस्तक की जो दूसरी रचना हम ले रहे हैं उसका शीर्षक है जूझ, और इसे आनंद यादव जी ने लिखा है, और आज हम उस कहानी का सारांश और उसके उस पर आधारित प्रश्नोत्तरों को यहाँ पर आज अध्ययन चर्चा में लेंगे। पहले मैं आपको आनंद यादव जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, उनका परिचय। आनंद यादव मराठी भाषा के बहुत ही जाने माने लेखक के तौर पर अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं। वे बहुत ही निर्धन परिवार से थे, गरीब परिवार से थे, पढ़ने लिखने की कोई परंपरा उनके परिवार में नहीं थी, और वहाँ से उन्होंने खेतों में काम करते हुए, पशुओं को चराते हुए, खेतों में पानी लगाते हुए, उनके मन में ये विचार आया बचपन के समय कि मुझे पढ़ना चाहिए, खेती से काम नहीं चलेगा और बिना शिक्षा के कुछ और कर नहीं पाएंगे। हो सकता है पढ़ लेने से नौकरी मिल जाए, हो सकता है कोई व्यापार धंधा कर सके। तो वह अपनी माँ को इस बात के लिए राजी करते हैं कि आप मुझे पढ़ाने के लिए जो है वो पिता के ऊपर दबाव डलवाने के लिए दत्ता साहेब से कहिए। दत्ता साहेब उस गांव के जमींदार हैं, बड़े आदमी हैं, उनके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनका अच्छा प्रभाव है और वे भले आदमी हैं। तो इस तरह से दत्ता साहब के दबाव से, प्रभाव से उनके पिता, लेखक के पिता राजी हो जाते हैं कि चलो खेत में पानी देना है, पशु चराना है और फिर पढ़ने भी जाना है। तो इस तरह उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। पढ़ते लिखते समय लेखक का परिचय जो है वो मास्टर सोंदल गेकर नाम के ऐसे व्यक्ति से होता है कि वो मराठी भाषा की कविताएं में बहुत रुचि लेते थे, उन्हें बहुत सारे कवियों की कविताएं याद थी, और जब कक्षा में पढ़ाते थे तो वो कविताओं को गाकर पढ़ाते थे, और बैठ करके कुर्सी पर बैठे बैठे कविता में आए हुए भावों को वे अपने शारीरिक अभिनय क्षमता से बच्चों के सामने अभिव्यक्त भी करते थे। इससे बच्चों में बड़ी रुचि जागृत होती थी, आकर्षण बनता था, पढ़ने में भी जो है वो रोचकता आती थी। तो आनंद यादव को कविता का इस तरह से गाया जाना, इस तरह से उसकी भावनाओं को साभिनय प्रस्तुत करना बहुत अच्छा लगता था, और उसने भी ऐसा ही करना सीख लिया, ऐसी ही कोशिश भी करने लगा। और एक दिन तो बड़ा गजब हो गया जब वो खेतों में पानी लगा रहा था, पशुओं को चला रहा था, तो उसने देखा कि जो लिखी लिखाई कविताएं हैं और गुरुजी जैसा अभिनय करते हैं वैसा ही अभिनय मैं करता हूं, तो इसमें कोई नवीनता नहीं है। अगर मैं खुद भी कोई कविता लिख लूं और अपने तरीके से उसमें अभिनय करूं, भावनाओं का प्रकटन करूं, तो जरा मजा आएगा। बस क्या था, आनंद ने अपने चारों ओर का परिवेश देखा, वातावरण देखा, प्रकृति के छवियों को देखा और एक कविता रच डाली, उसको गुनगुना करके लय और ताल में भी बैठा लिया, और फिर उसका अभिनय सहित उसने वाचन करने के बहुत सारे जो है वो प्रयास खेतों पे ही कर डाले। फिर उसने अपने मास्टर साहब को कक्षा में आकर के उसी तरह से कहा कि एक गीत मैं आपको सुनाता हूं जो अलग तरह का है। जब उसने वो सुनाया तो मास्टर जी बहुत खुश हुए, और उन्हें जब पता चला कि ये खुद उसी ने लिखा है, तब तो उनके आश्चर्य का और आनंद का पारावार ही न रहा। फिर उन्होंने विद्यालय के एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से आनंद को अपना वह गीत, अपनी वह कविता उसी तरह प्रस्तुत करने का मौका भी दिया। फिर क्या था, आनंद यादव के अंदर कविता रचना करने का, लेखन करने का, सृजन करने का, अभिनय करने का, उसे भाव प्रवणता के साथ प्रस्तुत करने का एक भाव ही पैदा हो गया।
उसमें रस आने लगा, आनंद आने लगा। और इस तरह आनंद यादव एक दिन मराठी भाषा के बहुत बड़े लेखक बने और फिर उन्होंने अपना एक आत्मकथात्मक उपन्यास भी लिखा। उसी आत्मकथात्मक उपन्यास के एक अंश के तौर पर यहां वह रचना ली गई है। तो ये इस कहानी का परिचय है, लेखक का भी परिचय है, और अब मैं आपके सामने इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर रख रहा हूं। प्रश्न पहला आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और उसका उत्तर मैं यहां से आपको दे रहा हूं। पाठ का शीर्षक जूझ इसलिए पूरी तरह से उचित है क्योंकि इस पाठ में आनंद अर्थात स्वयं लेखक ने अपड़ रहकर खेतों और पशुओं का काम करने की बजाय स्कूल जाकर पढ़ने के लिए अपने दादा की इच्छा के विरुद्ध जाने का साहस किया था। जब स्कूल जाने लगा तो वहां पर उद्भवी लड़कों का भी उसे सामना करना पड़ा और पढ़ने में मन लगाने तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे अपनी समस्त शक्तियां लगाना पड़ी। यह शीर्षक कथानायक की इस केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है कि वह प्रत्येक विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने से कभी भी पीछे नहीं हटा। अभावों और कमियों में भी उसने अपना रास्ता निकाला। और अब प्रश्न दूसरा आपके सामने स्क्रीन पर, इसका उत्तर है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में इस तरह पैदा हुआ कि उसे पढ़ाने वाले मराठी साहित्य के अध्यापक सौंदल गेकर जी कविता के ज्ञाता थे, रसिक और मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में गाकर कविता का पाठ करते थे। लय छंद गति आरोह अवरोह आदि का बच्चों को ज्ञान कराते थे और कविता के भावों का अभिनय भी वे करके दिखाते थे। उनसे प्रेरित होकर लेखक पहले तो कुछ तुकबंदी करने लगा, पर बाद में उसे प्रेरणा हुई कि वह अपने आसपास के दृश्यों को देखकर उन पर कविता बना सकता है। इस तरह धीरे धीरे उनमें कविता रचने का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक कविता लिखकर उसे अपनी तरह से गाया और अपनी तरह से उनके भावों को भी प्रस्तुत किया। मास्टर जी उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पूरे स्कूल के सामने आनंद से वही कविता साभिनय प्रस्तुत करवाई। इससे लेखक यानी आनंदा का हौसला बढ़ा, वह और गंभीरता से कविता रचने के काम में जुट गया। प्रश्न तीसरा आपके सामने स्क्रीन पर आएगा और उसका उत्तर यहां से। श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की विशेषताएं इस प्रकार हैं जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। पहला, मास्टर सौंदलगेकर कुशल अध्यापक मराठी साहित्य के ज्ञाता और स्वयं कवि भी थे। दूसरा, वे सुरीले ढंग से स्वयं की और दूसरे कवियों की कविताओं को गाया करते थे। तीसरा, पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। चौथा, पहले वे कविता को गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव भी ग्रहण कराते थे। और पांचवा, आनंदा को कविता लिखने के प्रारंभिक काल में उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया, कविता में सुधार किया, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। इससे वह धीरे धीरे कविताएं लिखने में कुशल होकर एक दिन प्रतिष्ठित कवि बन गया। और अब प्रश्न चौथा स्क्रीन पर, इसका उत्तर है कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक ढोर ले जाते समय, खेत में पानी डालते समय और अन्य काम करते समय उसे बुरा लगता था, अकेलापन खलता था, लेकिन जब वो कविता लिखने लगा तब उसे अपने अकेलेपन से प्यार हो गया, क्योंकि जब वह अकेला होता तभी तो कविता लिख सकेगा, तभी तो कल्पना कर सकेगा, तभी तो सोच सकेगा। और अब वह पानी देते समय, भैंस चराते समय कविताओं में खोया रहने लगा।
और चाहता था कि अब अकेला ही रहूं। अकेलेपन से उसे जरा भी ऊब नहीं होती और वह कविता लिखता, अभिनय करता, नृत्य भी करता। प्रश्न पांचवा स्क्रीन पर आपके सामने। उत्तर है, मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया ही सही था। लेखक के पिता तो शिक्षा के विरोधी थे। इस संबंध में मैं यह तर्क देना चाहता हूं। लेखक का मत है कि जीवन भर खेतों में काम करने से कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। अगर मैं पढ़ लिख गया तो कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी और नहीं तो मैं कोई धंधा व्यापार ही कर सकूंगा। दत्ताजी को जब पता चलता है कि लेखक के पिताजी उसे पढ़ाने से मना कर रहे हैं तो राव पिताजी को बुलाकर खूब डांटते हैं, उनकी आवारगी पर भी फटकार लगाते हैं। फीस के पैसों के लिए अपने यहां आनंदा को कुछ काम करने का प्रस्ताव भी देते हैं। प्रश्न छठवां स्क्रीन पर। उत्तर है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को झूठ का सहारा लेना पड़ा। कभी कभी अच्छे काम के लिए यदि झूठ का सहारा लेना पड़ता है तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। अगर वे झूठ का सहारा नहीं लेते और सच बता देते कि उन्होंने दत्ताजी राव से पिता को बुलाकर लेखक को स्कूल भेजने के लिए कहा है तो लेखक के पिता दत्ताजी के पास जाते ही नहीं। संभव है वे माँ बेटे की पिटाई भी कर देते, लेखक को खेती में ही झोंके रखते और इससे लेखक का जीवन बर्बाद हो जाता। तो यह थी आनंद यादव की कहानी जूझ के प्रश्नोत्तरों वाला हिस्सा। आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।